नमस्कार, मैं अरुण साजेड फ्रॉम स्वास्तिका एडुकंसल्ट। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के शुभ अवसर पर हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन बिजनेस अकाउंटिंग विद टैली। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें क्या हमने कंटेंट डिसाइड किया है एंड क्या क्या डिटेल्ड कवरेज होगा इसमें। बेसिक अगर बात करूं, थ्योरिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी यहां पे। जितने भी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, पहले थ्योरिटिकली आपको समझाया जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा। जीएसटी की एंट्रीज, क्या क्या बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ध्यान रखनी है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, मंथली एंड ईयरली क्लोजिंग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल्स, प्रैक्टिकल कवरेज होगा। हर कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में आपको केस स्टडी दी जाएगी और उसके बाद में अगर आपको एंट्रीज का कोई चैप्टर है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का कोई चैप्टर है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का कोई चैप्टर है, तो साथ ही साथ क्या होगा, टैली में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो ये फुल कवरेज होगा ये कोर्स। इसमें आप जो डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हमारे कलीग्स हैं बीइंग इन जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है और अपने आप को थोड़ी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को थोड़ा शार्पन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली कोर्स लेके आए हैं हम लोग। अगर कोई आपके सुझाव है तो आप हमें सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब मैं आता हूं वन बाय वन टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। गोल्डन रूल्स क्या है, सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कैश वर्सेस अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर असेट लायबिलिटी अकाउंटिंग, कॉमर्स, ड्रॉइंग, कैपिटल, इन सभी डेफिनेशंस की बात करेंगे। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर, करंट असेट, फिक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट, करंट लायबिलिटी क्या होती है, संडे क्रेडिटर क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इन सब टर्म में बेसिक क्या डिफरेंस है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब यूज होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो सिस्टम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कैश फ्लो होता है कि इनडायरेक्ट कैश फ्लो होता है, हम थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस, आईएफआरएस एंड यूएस गैप के बीच में डिफरेंस क्या है, और हम थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज। हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज हमारा बेस होता है अपने पूरे फाइनलाइजेशन का। अगर हमने ठीक से अकाउंटिंग एंट्री पास की है तो ये श्योर है कि हमें जब फाइनलाइजेशन करना होता है, जब हमें ऑडिट करनी होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें हम वेरियस टाइप ऑफ द वाउचर्स, जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री की बात करेंगे, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री, एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप ऑफ द एंट्रीज। इसके बाद इसके हम प्रैक्टिस करेंगे टैली में, बैंक लोन, ईएमआई एंट्रीज, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंट्रीज फॉर द डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्लोजिंग एंट्रीज मंथली, ईयरली, और हम आपको बिजनेस वाइज हमने कुछ चेकलिस्ट डेवलप की है कि मंथली चेकलिस्ट फॉर एंट्रीज टू बी पास्ड एज पर बिजनेस, एज पर इंडस्ट्री। अब एक नया कॉन्सेप्ट और नया चैप्टर बोल सकते हैं आप इसके बारे में, हम जीएसटी के रिगार्ड में कुछ एक प्रोविजंस की बात करेंगे, बेसिक प्रोविजन की बात करेंगे, टू दैट एक्सटेंट विच इंपैक्ट अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, क्या हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, जब रिवर्स चार्ज की मैं बात करता हूं तो सेल्फ इनवॉइस दिमाग में आता है, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ द वाउचर वी आर प्रिपेयरिंग इन जीएसटी, रिफंड वाउचर क्या कॉन्सेप्ट है, पेमेंट वाउचर, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री, काफी शेड्यूल है, और स्पेसिफिकली शेड्यूल वन की अगर मैं बात करूं जीएसटी एक्ट में, उसका अकाउंटिंग एंट्रीज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसका टैक्स इनवॉइस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो उन सब बारीकियों को हम ध्यान से समझेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस और अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है, जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज बेस्ड ऑन द जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1, ये काफी ध्यान रखने योग्य बात है। हम क्या करते हैं, हम 3B फाइल कर देते हैं, बट होता क्या है, हम 3B को फाइल तो कर देते हैं बट ऑफसेट करने के बाद किस अकाउंट ITC को कैसे यूज किया है, उसका हमारा इंपैक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज में आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। जब हम साल खत्म होते हैं और साल खत्म होने के बाद में जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द लेजर बैलेंस ऑफ टैली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लेजर बैलेंस एज पर जीएसटी पोर्टल। हम 2A वर्सेस
2A का मतलब समझाएंगे, इम्पैक्ट क्या, रिलीवेंस क्या, और इसका रिकंसिलेशन कैसे करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ में आपको कैसे मैचिंग करनी है, टैली में प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, और साथ में कुछ केस स्टडी भी आपको देंगे। बैंक रिकंसिलेशन हम सभी जानते हैं, बट इसकी भी आपको प्रैक्टिस होगी, केस स्टडी इसके बारे में भी दिया जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस IFRS US GAAP, बेसिक हम डिफरेंस समझ लेंगे, और कुछ एक AS जो हमारे डे टू डे अकाउंटिंग में काम आते हैं, लाइक AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3, AS 4 कंटिजेंट असेट कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, AS 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, ये दोनों को हम साथ में समझेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और लास्ट AS 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफर टैक्स की जो अकाउंटिंग करते हैं वो AS 22 के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। TDS, TCS, एडवांस टैक्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, क्या मतलब होता है, क्या रेट से डिफरेंट टाइप होता है, TDS की रेट क्या है, TCS किन किन ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल है, एडवांस टैक्स कैसे जमा कराना है, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है। साथ ही साथ हमें 26 AS को भी मैच करना जरूरी है, अगर ये सारे काम हम अगर रेगुलर फ्रिक्वेंटली बेसिस पे करें तो जब हम ईयर एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मैचिंग की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, तो आई कैन अश्योर यू दैट दैट एक्टिविटी ऑफ ऑडिट एक्टिविटी विल नॉट बी ए टू मच कंबरसम एंड टू मच टाइम टेकिंग फॉर एवरीवन। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्राफ्टिंग ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इनकम असेट लाइबिलिटी PL बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट क्या है, डेफर टैक्स असेट और लाइबिलिटी का कैसे कैलकुलेशन करना है, डेप्रिसिएशन मेथड कैसे कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरशिप के केस में, फिक्स असेट का शेड्यूल कैसे बनाना है, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रोप्राइटरशिप प्रैक्टिस इन टैली एंड कैश स्टडी। ये जो स्लाइड की इस स्लाइड में बात करता हूं, मैं सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर फोकस करूंगा, जिसमें हमारी मेन अंडरस्टैंडिंग रहेगी Schedule 2, Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिक्स असेट शेड्यूल, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, थोड़ा बहुत हम कारों के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डीपेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करेंगे। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मेन बातें ध्यान में रखनी है, उसके बाद में हम टैली के सिलेबस की बात करते हैं। टैली जो नॉर्मली कवरेज होती है वो सारा यहाँ पे भी कवर होगा, मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डेबिट क्रेडिट नोट, कॉस्ट सेंटर, वेरियस रिपोर्ट्स इन टैली, जैसे डे बुक है, लेजर है, फाइनेंशियल स्टॉक रिपोर्ट है, एजिंग रिपोर्ट है, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक मूवमेंट रजिस्टर, GST के रिगार्ड में हम काफी यूज करते हैं, उन कौन कौन से रिपोर्ट्स यूज करनी है और कैसे इसको जनरेट करना है, पेरोल की अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन एंट्रीज, टैली ऑडिट एंड लास्ट में शॉर्टकट की। सो ये कोर्स मैंने हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने ये डिजाइन किया आप लोगों के लिए, अगर आपके कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं, और ये कोर्स लगभग 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। वैसे कोर्स की फीस और बैच टाइमिंग वुड बी इन द इवनिंग 7:30 PM, 7:30 to 8:30 और 9 o'clock होगा, और ये लगभग 2 महीने का कोर्स होगा। इसकी फीस हमने 15,000 रखी है, और इसमें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो हम इनिशियली, अगर आपका ग्रुप है, कोई टीम है, तो वी आर ऑफरिंग द डिस्काउंट एज वेल। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर विच इज गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।